ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 20/10/10। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज का प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्री मत पर हम विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्री मत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। फिर बोलो, सभी प्राइज लेंगे ना? क्योंकि प्राइज कौन दे रहे हैं? स्वयं हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव बाबा। आज की ज्ञान मुरली से धारणा है, नंबर 1, दैवी गुण धारण कर श्री मत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का बहुत बहुत रुचि से कल्याण करना है। नंबर 2, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज का वरदान है अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जितना हो सके हम अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्वधर्म में स्थित रहें, शांत रहें, अर्थात अंतर्मुखता की गुफा में है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो यही अंतर्मुखता की गुफा है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना ही दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बनाकर
और हमें बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः ही सबसे न्यारा हो जाता है। आज का स्लोगन है साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। तो जो हमें साधन मिलते हैं उन साधनों से हमें साधना करनी है, लेकिन उन साधनों को हमें अपने दैहिक सुख या अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना है। तो साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अतः साधना करते उन साधनों के महत्व को समझकर साधनों को काम में लाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है, सदा सफलता साथ हमारे